मेरे प्यारे मित्रों, भारतीय राजा कौन था जिन्होंने दावा किया कि जिन्होंने अपनी जीवन की कोई भी युद्ध नहीं हारे। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप भी हमारी तरह एक सच्चे भारतीय हो तो ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे ऐसे कई भारतीय राजा है जिन्होंने कभी भी युद्ध नहीं हारने का दावा किया है, लेकिन इन दावों पर पूरी तरह से विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे तीन राजा है जिन्हें कोई भी युद्ध में न हारने का इतिहास दावा करती है। मेरे मित्रों, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धा में से एक माना जाता है। दोस्तों, शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक है। दोस्तों, शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य और कई अन्य पड़ोसी राज्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और दोस्तों, कहा जाता है कि शिवाजी महाराज अपनी जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं हारी। मेरे मित्रों, अगले है महाराणा प्रताप। मेरे मित्रों, महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वीं राजा थे, जिन्हें भी अक्सर भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धा में से एक माना जाता है। और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनका प्रतिरोध के लिए वे प्रसिद्ध थे। मेरे मित्रों, कहा जाता है महाराणा प्रताप कभी मुगलों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हारी। मेरे मित्रों, अंतिम समुद्रगुप्त। दोस्तों, वे गुप्त साम्राज्य के शासक थे और समुद्रगुप्त के सैन्य के विजय के कारण अक्सर उन्हें नेपोलियन कहा जाता है। मेरे मित्रों, पूरे भारत में अपने व्यापक सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं और उन्हें भी कभी युद्ध न हारने का राजा कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी जानकारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी हमारी तरह एक सच्चे भारतीय हो तो इस गरीब की चैनल को आपकी थोड़ा सा प्यार जरूर दिखा दीजिएगा।